आने जाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं सर, रास्ते में ही है इसलिए भी, और मतलब कमेंट बाजी बहुत होती है और मतलब बदबू भी बहुत आती है कभी। आप लोगों ने इसलिए हम लोग उधर से नहीं जाते हैं, यहाँ अंदर से कट हो जाते हैं, खेत का रास्ता जो वहाँ से कट होना पड़ता है, और पहले उधर ही से आते जाते थे, शॉप खोलने के बाद से उधर से अब कोई नहीं आता आता है। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है हम लोगों को, मतलब वहाँ पे ड्रिंक करके लोग पड़े रहते हैं वैसे ही, तो अब मतलब वैसे ही डर लगता है, मतलब भय लगता है कि कैसे जाएंगे हम लोग। और खेत से आने जाना रहता है तो उसमें मतलब बारिश हो जाती है कभी, तो उसके लिए बहुत दिक्कत होता है। या सर पढ़ाई में भी तो दिक्कत होता है, क्योंकि अब कभी कभी अगर लेट हो रहा है तो उससे भी मतलब लेट हो जाएगा, अगर मतलब इस साइड से आएंगे उधर साइड से नहीं आएंगे तो। और पढ़ाई में भी इससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, पानी वानी पीने जाओ कभी निकलो बाहर तब भी दिक्कत होता है, देखो लोग को मतलब चिल्लाते हैं कभी, और ऐसे रास्ते में पड़े रहते हैं तो उससे भय लगता है। बच्चों को आए दिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बच्चियां सबसे बड़ी समस्या बच्चियों की है, जो बच्चियां रास्ते में से आती हैं उनको आए दिन मनचले लड़के दारू पी के आए दिन यहां विवाद की स्थिति क्रिएट कर रहे हैं। इस पे तो जिला प्रशासन को हमने दो दो बार पत्र भी भिजवा दिया है, हम स्वयं भी जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उस पर थाने पर बच्चे गए थे, बच्चे हमसे भी कहे थे इस बारे में कि सर आए दिन हम लोगों के साथ बदतमीजी होती है, सर इसको वो करिए। तो हमने दो दो तीन तीन बार जिलाधिकारी महोदय को भी दिया पत्र, और थाने पर भी बच्चे गए थे अपना आवेदन पर जो भी था ये दिए हुए हैं एप्लीकेशन, उस पर भी अभी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।